अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं यूरिया साइकिल को। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूरिया हमारे पास होता क्या है। यूरिया एक्चुअली जो है हमारे पास बेस प्रोडक्ट होता है अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड्स में जो हमारे पास नाइट्रोजन ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया में, ठीक है। अब अमोनिया जो होता है वो टॉक्सिक फॉर्म होती है और इनको ज़्यादा वाटर रिक्वायर होता है बॉडी से रिमूवल के लिए। तो इस वजह से जो है हमारे पास अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। एक साइकिल से जिसको हम कहते हैं यूरिया साइकिल, और ये जो कन्वर्जन होती है अमोनिया की यूरिया के अंदर कन्वर्जन होती है, ये किससे होती है, ये लीवर के अंदर हो रही होती है। और ये जो हमारे पास यूरिया साइकिल है इसको सबसे पहले जो है डिस्कवर किया था क्रैब्स ने और हैंसलेट ने, इसलिए हम इस साइकिल को क्रैब्स हैंसलेट साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था, इस वजह से इसको हम क्रैब्स हैंसलेट साइकिल भी कहते हैं। इसके अलावा हम देखें तो यूरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है कि हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ और NH2 और NH2, ये हमारे पास यूरिया का स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास दो अमाइनो ग्रुप होते हैं, एक तो अमोनिया से आता है, यानी अमोनिया जो है वो कन्वर्ट होता है ना, हमने पता पढ़ा है कि अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है। तो एक NH2 जो है वो अमोनिया से आएगा और दूसरा NH2 जो है वो एस्पार्टेट अमाइनो एसिड से आएगा, ठीक है। और जो कार्बन है ये हमारे पास CO2 से आता है। इसके अलावा आप देख लेते हैं, ये थोड़े से हम जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं साइकिल स्टार्ट करने से पहले। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें से 5 एंजाइम्स जो हैं वो इस साइकिल में यूज़ होते हैं, डिस्टिंक्ट एंजाइम, जिसमें से जो हम पहले दो एंजाइम्स देखेंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, जबकि बाकी सारे एंजाइम्स जो होते हैं फ्री एंजाइम्स वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। और जो लास्ट स्टेप होता है जिसमें हमने कन्वर्ट करना होता है, मतलब जिसमें फाइनल हमें यूरिया बनाना होता है, उसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो लीवर में प्रेजेंट होता है। इस वजह से जो है यूरिया की सिंथेसिस जो होती है लीवर में ही होती है, ठीक है। तो हमारे पास 5 स्टेप्स हैं जिसमें हमने यूरिया साइकिल कंप्लीट करना है। सबसे पहले स्टेप है कि कार्बोमाइल फॉस्फेट का बनना। तो कार्बोमाइल फॉस्फेट कैसे बनेगा, हमारे पास CO2 जब कंबाइन होगा NH4 पॉजिटिव के साथ, यानी अमोनिया के साथ, अमोनिया की फॉर्म है, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं और एक दो मॉलिक्यूल जो है ATP के वो यूज़ होते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं 2 ADP में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो बना देते हैं हमारे पास ये यहाँ पे ये NH2 आ जाएगा और ये C डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पे हम फॉस्फेट का एक ग्रुप अटैच कर देंगे। तो इसको हम कहेंगे कि ये बन गया हमारे पास कार्बोमाइल फॉस्फेट। अब ये जो कार्बोमाइल फॉस्फेट बना है इसके लिए यहाँ पे एंजाइम भी यूज होगा जिसको हम कहेंगे कार्बोमाइल फॉस्फेट सेंथिटेस 1, या फिर हम इसको जनरल CPS1 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या, इसने इसके एंजाइम का नाम बिल्कुल जो है इसके प्रोडक्ट जैसा ही है, जैसे कार्बोमाइल फॉस्फेट बन रहा है सेंथिटेस 1, यानी कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाने वाला एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, स्टेप नंबर 1 विच इज फॉर्मेशन ऑफ और यहाँ सिंथेसिस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट। अब जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है कि हम लोग जो है ऑर्निथ, हमें पता है कि अमाइनो एसिड है। ऑर्निथिन का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कि इसमें 5 कार्बन होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, और इसके फर्स्ट जो कार्बन होता है उसके ऊपर NH2 अटैच होता है, और ये जो कार्बन होता है ये C डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव होता है, और इस ये जो कार्बन होता है इसके साथ एक तो C डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव अटैच होता है यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और दूसरी तरफ इसके अटैच होता है NH2 या NH3 पॉजिटिव भी कह सकते हैं, तो ये अटैच होता है इसके साथ। तो ये हमारे पास जो है 5 कार्बन जो है ऑर्निथिन है, ठीक है, जिसके फर्स्ट कार्बन के साथ हमने NH2 भी अटैच करना है। तो ये जब ऑर्निथिन के साथ कार्बोमाइल फॉस्फेट कंबाइन होगा तो हमारे पास बचेगा सिट्रोलिन। तो यहाँ तक मैंने सारा ऑर्निथिन ड्रॉ कर लिया। अब इस कार्बोमाइल फॉस्फेट को साथ अटैच करना है, जब ये कार्बोमाइल फॉस्फेट इस ऑर्निथिन के साथ अटैच होगा तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये अंदर से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर जस्ट ये जो इतना पार्ट है ये आके अटैच होगा। तो इसको जब अटैच करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सी आ जाएगा ये वाला, और यहाँ पर साथ में NH2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हुआ है। और जो एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा वो कौन सा होगा, हमारे पास ऑर्निथिन, ये तो ऑर्निथिन इसका आ जाएगा, ट्रांस कार्बोमाइलेज, ठीक है।
तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो कौन सा होगा, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है हमारे पास उसको हम कहेंगे सिट्रुलिन। तो दूसरा जो स्टेप है वो हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। सबसे पहले हमने बनाया कार्बोमाइल फॉस्फेट, दूसरे नंबर पर हमने बनाया सिट्रुलिन। और सिट्रुलिन कैसे बनेगा कि हमारे पास कंबाइन होगा ऑर्निथिन किसके साथ, कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। अब हमारे पास क्या होगा, अब आके हमारे पास अटैच होगा एस्पार्टेट इसके साथ सिट्रुलिन के साथ। अब एस्पार्टेट कैसा होता है, हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है एस्पार्टेट एक अमीनो एसिड है जिसमें हमारे पास ये फोर कार्बन होता है, जिसमें जो लास्ट कार्बन होता है वो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप का होता है, ठीक है। ये हमारे पास एस्पार्टेट है। अब इस एस्पार्टेट अमीनो एसिड को लाने का मकसद ये है कि हमने इसका ये एन एच थ्री लेना है। तो पहले इसको ये एस्पार्टेट आके सिट्रुलिन के साथ बाइंड करेगा और बना लेगा अर्जिनो सक्सिनेट, ठीक है। तो इसको बाइंड करवाते हैं, तो सबसे पहले तो ये वाला स्ट्रक्चर सारा ड्रॉ कर लें जो कि आपने सिट्रुलिन में ड्रॉ किया था, ये सारा इधर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम जो है कार्बन के इस एटम के साथ जो है हम ला के अटैच करेंगे इस एस्पार्टेट को। तो जब हम इसके साथ इसको अटैच करेंगे इस एस्पार्टेट को, तो उस केस में हम जो है सी डबल बॉन्ड और जो है वो रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह आके ये एन एच अटैच होगा, लेकिन यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड फिर इसके दरमियान में आ जाएगा इन दो के दरमियान में। अब ये एन एच टू है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा और यहाँ पे जो है हमारे पास सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और आके अब इसको अटैच कर लेते हैं, तो ये हमारे पास अटैच हो गया एन एच और उसके साथ ये सी अटैच है और उसके साथ ये एच अटैच है, ठीक है। और उसके ऊपर जो है सी एच टू ये वाला और सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव ये वाला आ जाएगा और नीचे भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमारे पास अटैच हो गया। अब इस पूरे जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम है अर्जिनो सक्सिनेट। और ये जो एंजाइम अब यहाँ पे यूज हुआ है इसका नाम है, ये अर्जिनो सक्सिनेट बन रहा है इसलिए इसको कहेंगे अर्जिनो सक्सिनेट सिंथेस। और यहाँ पे भी एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज होगा जो कि कन्वर्ट हो जाएगा एएमपी में, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब हमें तो पता था कि हमने तो सिर्फ यहाँ से एनएच लेना है, तो हम बाकी चीज को रिमूव कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो चीज़ है हमारे पास इसको हम रिमूव कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्यूमरेट। और ये फ्यूमरेट की शक्ल में कैसे आएगा कि यहाँ पे पहले सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, फिर सी एच टू और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे सी डबल ओ नेगेटिव और यहाँ पे एच आ जाएगा और यहाँ पे तीन बॉन्ड है तो एच कम हो जाएगा, इसको कहते हैं फ्यूमरेट। तो यहाँ पे फ्यूमरेट रिमूव होगा हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ जो है वो इधर बन जाएगी और उसको हम कहेंगे अर्जिनिन। तो इस स्टेट में हमने क्या किया, ये सारा वो अटैच हो गया है और ये NH2 तक छोड़ दिया, बाकी हमने सारा जो है रिमूव कर दिया इस पार्ट को इन द फॉर्म ऑफ फ्यूमरेट। और बाकी अभी जो बन गया इसको कहेंगे आर्जिनिन। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ है वो कौन सा होगा, आर्जिनो सक्सिनेज। आर्जिनो सक्सिनेज की मौजूदगी में हमारे पास क्या हुआ, फ्यूमरेट रिमूव हो गया और अब बन गया आर्जिनिन। तो पहले स्टेप में क्या हुआ है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट, दूसरा स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन, तीसरा स्टेप था सिंथेसिस ऑफ आर्जिनो सक्सिनेट, चौथा स्टेप है सिंथेसिस ऑफ आर्जिनिन भी कह सकते हैं या फिर हम ये भी कह सकते हैं क्लीवेज ऑफ आर्जिनो सक्सिनेट, यानी आर्जिनो सक्सिनेट पहले सिंथेसाइज हुआ उसके बाद उसकी क्लीवेज हुई। अब पाँचवा जो स्टेप है यानी जो लास्ट स्टेप है वो हमारे पास है कि यूरिया का बना, तो उसका कैसे बनेगा कि जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा इस आर्जिनिन में तो यहाँ से एक यूरिया का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, यूरिया जो है बन जाएगा, यूरिया का हमें पता है कि सी डबल बॉन्ड ओ NH2, इसको यूरिया कहते हैं, एक यूरिया का मॉलिक्यूल बन जाएगा और बाकी जो है हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा ये ऑर्निथिन में। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो कौन सा होगा, आर्जिनेज, ठीक है, जो कि आर्जिनिन को तोड़ेगा और जो ये ऑर्निथिन बना है ये दोबारा साइकिल में यूज हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये दो जो एंजाइम थे ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज और ये जो एंजाइम है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, ये दोनों जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे, बाकी सारे एंजाइम जो है साइटोसोल में होंगे। और ये जो आर्जिनेज का एंजाइम है ये कहाँ पे होगा, लीवर में प्रेजेंट होगा, इस वजह से जो है सिंथेसिस ऑफ यूरिया जो है वो किस में होती है, लीवर में होती है। आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में